हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आपका सप्तमी वाले दिन का ही है जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे बस पूजा अभी चल ही रहा है, तो वही देवर देवरानी दोनों बैठा हुआ है पूजा में। सप्तमी को माता रानी को सिंदूर लगता है सप्तमी के दिन, तो माता रानी को सिंदूर लगा के फिर हम लोग वो सिंदूर लगाते हैं। और मैं बहुत जगह सुनी हूँ कि मतलब जब तक माता रानी को सिंदूर नहीं लगता सप्तमी को, तब तक मतलब सिंदूर लगाया नहीं जाता, कोई मेकअप नहीं किया जाता है। मैं ये सुनी हुई है, बट मतलब मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ मतलब सिंदूर कर सकते हैं, लोग अपने आप को सिंदूर लगाते हैं हमेशा। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है, मैं ये नहीं इतना इंक्वायरी नहीं की हूँ। तो बस मैं भी माता रानी को सिंदूर लगा के फिर सबको सिंदूर लगा देती हूँ। लगाने के बाद फिर माता रानी को साड़ी श्रृंगार का सामान जो चढ़ता है वो आपका नौमी में चढ़ता है। मतलब हम लोग क्या नौमी में चढ़ता है, बहुत जन अष्टमी में भी चढ़ाते हैं, और हम लोग क्या छप्पन भोग भी आपका नौमी में ही लगता है। और ही मेरा साड़ी का आँचल इतना छोटा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। बहुत पता नहीं आइडिया नहीं लगा जब मैं प्लेट्स थी, क्योंकि हड़बड़ी में कर लेती हूँ, पता नहीं चलता, और बहुत प्रॉब्लम होता है छोटा होने से। मतलब सर पर टिक ही नहीं पाता है, बार बार गिरने लग जाता है। और मैं सोची थी पहले फ्री हैंड ले लूँगी, फिर मैं फ्री हैंड नहीं की, बिकॉज मंदिर में ही बैठना है तो क्या फ्री हैंड लूँगी, ऐसे सर पर तो रखना ही पड़ता है। माता रानी को सिंदूर लगा दे, लगाने के बाद हम लोग बस सिंदूर लगा लेते हैं। और हम लोग में माता रानी को येल्लो ही सिंदूर लगाया जाता है। हम लोग हर सूख में येल्लो सिंदूर ही काम आता है। ऐसे हम लोग शौक से रेड लगाते हैं, बट हम लोग बिहारी खाई है, पता है जोर से बुखार गई है पूरा। जैसे दूध पी धीरे धीरे अगर मुट्ठी खोल दे, साइकोलॉजी है। मुट्ठी बांध के अगर बच्चा रोई होना तो चुप नहीं करोगे बिना खाना के, भूख लगा जाएगी। गर्मी हो रही है, वो होगा। अबे देख पीछे मुट्ठी बंद हो गई, वो कार्ड की कंप्लीट नहीं हुआ। आती हो भैया? ना आपकी कंप्लीट नहीं हुआ, अब तो करेंगे। क्या बोलते हैं भैया, ले कर दे भैया, ले लीजिए आरती को, आरती दिखा दीजिए। अब क्या दिखा दीजिए, देखो लो सोना आ जा मेरा बच्चा, आरती दिखाओ। ये जो आप नहीं दे लेके तो पतिदेव जी बहुत लेट से आए, तो आरती उस टाइम हो चुका था, आप लोग देखें। उसके बाद आते बाबू को ले लिए गोद में, वो रो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे अभी मतलब आरती होने के बाद यहाँ पे आरती कर रहे हैं। हाँ आज लाएंगे, आज लाएंगे। अच्छा दस मिनट बोलेगा, दस मिनट बोलेगा। हाँ बेटा, क्या मुंडी उधर रख लेगी। और बाबू यहाँ पे फिर मतलब जेद में आ गए, रोने लगे बेचारी। जब से हुई है ना तब से कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा ही रह रहा है, तो उसके कारण उसका टाइम टेबल भी फिक्स नहीं हो पा रहा, सोने वाला उठने वाला, तो वो भी खुद समझ नहीं पा रही कि पता नहीं मेरे घर में क्या होता है, कब सो मैं कब उठूँ, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी बाबू, तो मैं उसको मना रही थी यहाँ पे। अब बस चाय पानी का व्यवस्था हो रहा है। पंडित जी मतलब ऐसे चाय वगैरह तो कुछ पीते नहीं हैं, सिर्फ डाब का पानी पीते हैं, डाब का पानी पी के चले जाते हैं। और बाबू यहाँ पे मान ही नहीं रहे थे, कितना वो कोशिश कर रहे थे कि शांत हो जाए, एकदम भी नहीं मान रहे थे। पूरा मतलब जिद में आ गई है वो भी। आज जब जिद में आती है तो दूध वगैरह कुछ भी पीना नहीं चाहती है। हम क्या किए पता है राध्या, हम वीडियो ऑन नहीं किए थे, माँ बेटी अभी जा रहे हैं, जो माता रानी का साड़ी उसने नहीं ले पाए, आज जाके लेने जा रहे हैं। और कुछ उनका सिर्फ मतलब मेकअप का सामान माता रानी के लिए वो भी लेने जा रहे हैं, और बेटी का बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लेना है वो भी ले लूँगी आज। तो आज बहुत सारा काम लेके निकल रही हूँ मैं, माँ बेटी, आजकल मेरी मतलब मेरी बेटी बहनी मिली है, तो जब तक स्कूल नहीं है तब तक जा रही है, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसका जाना बंद हो जाएगा। कौन आ रहा है बेटा पीछे? क्यों सब भूल जाएगा ना, कुछ नहीं
और अभी दोपहर में निकलना पड़ा है बिकॉज शाम को मेरे को मंदिर जाना है, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा शाम को, इससे सोचे दोपहर में जाके जो शॉपिंग वगैरह करना है कर लेते, फिर बाबू को सुलाना भी है आके, तो फटाफट से आके मैं उसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद और भी बहुत सारा शाम में सप्तमी है तो। और मैं यहाँ पे आई अपनी बेटी के लिए, सोची कि सिल्वर का चेन देती हूँ बेटी के लिए कि उसके बर्थडे में चलो सिल्वर का चेन मैं दे दूँगी, बट यहाँ पे मैं जैसा चेन ढूंढ रही थी वैसा नहीं मिला। और बच्चों लोग को सिल्वर का चेन गला में पहनाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है, तो बट नहीं मिला। मैं पूछी भी दो तीन तो, बट उनके पास ऐसा था फैंसी में था, जो बेटी को फैंसी पहनाऊँगी तो तोड़ उड़ देगी, नॉर्मल मुझे चेन चाहिए था। अब बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद शायद आएगा। के बाद ही मैं यहाँ पे गई प्रसाद लाने। आप लोग सोच रहे होंगे शाम को मैं प्रसाद लेने क्यों गई, शाम को इसलिए गई क्योंकि आज हम लोग को जाना है माँ मंजू शक्ति मंदिर में, जो घर के बगल में ही है, वो भी वहाँ पे आज सप्तमी है, जाना है, रीज़न मैं बताऊँगी आप लोग को आगे। अभी मैं यहाँ पे पेड़ा ले लेती हूँ, माँ बोली थी कि केसरिया पेड़ा मतलब लेते आना माखन भोग से, तो मैं यहाँ पे केसरिया पेड़ा लूँगी मंदिर के लिए और नारियल का बर्फी लूँगी अष्टमी का भोग के लिए। तो कल है अष्टमी, तो कल के लिए मैं यहाँ पे नारियल का बर्फी ले लूँगी, नारियल का प्रसाद चढ़ाना अच्छा होता है उस दिन, तो मैं वही मैं बोल रही थी। उसके बाद घर आई, घर आने के बाद यहाँ पे आरती का तैयारी हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ आप लोग को कि मैं क्यों गई थी, क्योंकि जो बाबू है, जो देवरानी की बेटी है, जो मेरी छोटी बेटी, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं समझा दे रही हूँ, जो मेरी छोटी बेटी है उसका भारा है माँ मंजू शक्ति मंदिर का, कि बच्चा मतलब बेटी कुछ भी हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, तो माँ वहाँ पे चढ़ाऊगा मतलब चुनरी चढ़ाएगी सप्तमी के दिन, तो आज वहीं पे हम लोग को सबको जाना है चुनरी चढ़ाने। शांति होगा बढ़िया है, आपका नहीं बढ़िया होगा वो लास्ट नवरात्र का टाइम में सप्तमी में माँ मंदिर गई थी, माँ मंजू शक्ति मंदिर में, तो माँ बोली थी उसी टाइम हम भारा भाग दिए थे कि चुनरी चढ़ाएंगे जो भी हो, बेटा बेटी कुछ भी हो तो चुनरी चढ़ाएंगे, तो वही भारा कंप्लीट हुआ मतलब पूरा हुआ, तो चुनरी चढ़ाएंगे। बढ़िया बा, लेकिन मैं धीरे धीरे चला देखा, हां ठीक चला था सेंटर से बट ना सवारी बारी से कोड लगा लो, कोड लगा लो, ओ ना पा चल 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 चल। पंडित जी गर्मी जाता है, गर्मी तो महात्मा गर्मी आओ तो गर्मी राधा ई फुलवा निमन देले बहु अच्छा सुंदर एकदम आई सुंदर सजाओ लो होगा टूट जाएगा, टूट जाएगा मैं जो पापा को मेरे भाई के मशरूम कट करवाया भाई को टूट जाएगा, तीन दिन जाई मुरझाएगा ना, मुरझाई हां मुरझाए वाला फूल नहीं नहीं छे, हां मुरझाए वाला होय तो पूरा हाथ से सूखल बा देखिन, हां सूखल सूखा। और बस हम लोग मंदिर में पहुंच गए और ये इतना सुंदर मंदिर है कि मैं क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त। आप जाने की तरीका और लूटी छाने राम आए अच्छा सेक्शन है, तो आप नहीं कहते ना देखिए कौन जीतता है, राम आए जय आए जय आए, तो नीरज की इज्जत रखिए आप लोग, एक बार राम आए जय आए जय आए, आप ही गाया, आप सब मिलके मेरा इधर तेरी भोली के पास का घर आते आते 10 बज चुका था और बहुत ज़ोर से भूख भी लगा होता, तो मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो नॉर्मल पराठा बना देती हूँ घी लगा के और आलू का भुजिया और पनीर है थोड़ा सा, देखती हूँ पनीर का तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बचा हुआ पनीर है तो नॉर्मल ऐसे पनीर को मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर आलू का भुजिया मैं पहले ही बना चुकी थी और पनीर को मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ,
तो बस फटाफट से हम लोग यहाँ पे डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद पतिदेव जी गए हैं अभी नाइट वॉक पे। नाइट वॉक से आए यहाँ पे, बाबू को सुला रहे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पूरा जिद में थी, तो गाना गा के सुला रहे हैं। मैं यहाँ पे आपका ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दी इसलिए वो गाना आप लोग नहीं सुन सकते। तो गाना गाते गाते देखिए माता खुद का सला रही है, सो जाएगी वैसे ही। गाइस अभी रात का बज रहा है 2 और मैं दिखाती हूँ इसको, देखिए कोई सोने का नामो निशान नहीं है, ये अभी तक जगी है। उसके साथ साथ उसके बड़े पाँव भी जगे हुए हैं और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी को थोड़ा सा अभी नीनी नहीं आ रहा है, बच्चों को एकदम नीनी नहीं आ रहा है, ये पूरा फ्रेश है, उसको सुलाने जा रही तो पूरा रो रही है वो, उसको मतलब उसको लग रहा है कि दिन हो गया है अभी, मतलब एकदम सोने का मूड में नहीं है, वो चाहती है कि ऐसे ही बेड पे छोड़ दे और बेड पे छोड़ के वो खेलते रहे, और बहुत रो रही है वो बहुत ज़्यादा। और इतनी क्यूट मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी है मेरा, ये एकदम क्यूट बेटी है मेरा, ये क्यूटी बेटी है, क्यूटी बेटी है मेरा, क्यूटी बेटी है मेरा, एकदम फ्रेश है। और उसके साथ साथ मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ और कल है अष्टमी, अष्टमी में उठना भी है सुबह सुबह उठ के। और कल आप येलो वाला कुर्ता पहन लीजिएगा, ठीक है, सुनते हैं कल येलो वाला कुर्ता पहन लीजिएगा, अष्टमी में येलो कुर्ता पहन। और मैं साथ साथ में मैं भी एकदम फ्रेश हो गई, अब जब तक ये नहीं सोती है तब तक मैं नहीं सो पाऊँगी, वो सो जाए तब मैं सोऊँगी। मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी छोटी सी बेटी। तो गाइस मैं मिलती हूँ अब कल सुबह आप लोग से, अब देखती हूँ कब तक सोती है, मैं कल बताऊँगी आप लोग को। बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नवरात्रि का है 8वां दिन, अष्टमी। तो अष्टमी में पिंक कलर का पहना जाता है, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी बहुत ही प्यारा साड़ी है, शायद आप लोग पहले नहीं देखे होंगे बिकॉज मैं ये साड़ी फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी माँ का साड़ी है, तो बहुत ही प्यारा साड़ी है, जॉर्जेट का, प्योर जॉर्जेट में, और इसका फिटिंग भी बहुत मस्त होता है। इस टाइप का साड़ी मुझे पसंद है, सिंपल सुबर हो बट वो जॉर्जेट होना चाहिए या फिर जो भी हो बॉडी फिट होना चाहिए, ये नहीं कि पहनने के बाद वो जल्दी प्लेट्स नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम होता है उस टाइप का साड़ी में। और मुझे इतना हेवी साड़ी पसंद भी नहीं है, बहुत कम। और बस यहाँ पे मैं सोची आज मैं प्लेट्स कर ले रही हूँ और 2 दिन से शैम्पू नहीं कर रही हूँ, वेडनेसडे एंड थर्सडे, आज तो थर्सडे ही है तो शैम्पू तो किया नहीं जाता। अगर थर्सडे को इमरजेंसी रहने से भी मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम में करती हूँ, रात के टाइम में कर सकते हैं बट सुबह दोपहर शाम को नहीं कर सकते। तो मैं बस यहाँ पे फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद जाऊँगी आज प्रसाद बनाऊँगी, आटा का हलवा और कुछ भी नहीं, अष्टमी है और जो बहुत सारा प्रसाद बनेगा जो कल नवमी के दिन कन्या पूजन और हो। और हम लोग का बंगाल में क्या है कि आज जैसे अष्टमी का उदय तिथि नहीं है तो हम लोग का बंगाल में अष्टमी नहीं मना के आज सप्तमी मना रहा है लोग, बट हम लोग कलश स्थापना वैसे करें तो आज हम लोग अष्टमी यहाँ पे मना रहे हैं। तो बस मैं किचन में आ गए यहाँ पे और थोड़ा सा आटा का हलवा बनाऊँगी, बस भोग के लायक, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और ये फुल मतलब पूरा स्लीवलेस ब्लाउज नहीं है, ये थोड़ा बीच से कट है इसलिए आपको स्लीवलेस लग रहा होगा, नहीं तो फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ उस दिन बोल स्लीवलेस नहीं पहना जाता है, तो वो जो स्लीवलेस बोल रहे थे वो डिफरेंट है। जब वो ग्रे वाला साड़ी पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस टाइप का ब्लाउज है, इसलिए मैं बोल रही थी कि वो साड़ी नहीं पहन सकती हूँ ग्रे वाले टिन। तो मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन आप लोग जरूर दिखाऊंगी कि इस टाइप का, तो आप लोग सोचेंगे हाँ पूजा पाठ में इस टाइप का अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं मिश्री को अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। अब जब हम लोग चीनी नहीं खाते तो क्यों भगवान को चीनी खिलाएं, भगवान को ही मिश्री में ही खिलाते हैं, मिश्री और चीनी में ज़्यादा टेस्ट का तो फ़र्क होता है, टेस्ट का कोई फ़र्क ही नहीं है, गुड़ में फ़र्क हो जाता है। और यहाँ पे पतिदेव जी कुछ सामान वगैरह लेके, आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, निम्हा आटा प्रसाद के लिए चाहिए, तो वो लेके आके अभी बस बैठे ही हैं, बैठ के पानी उनी पियेंगे, बस फ्रेश फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद जाएंगे फटाफट से अपना जो पूजा करना है मंदिर में वो कर लेंगे, करने के बाद चेंबर जाएंगे। सूजी का हलवा कल बनेगा, पूरी सूजी का हलवा और भी सब्जी वगैरह बनेगा। और यहाँ पे आटा का हलवा माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये बात सुनी हूँ। और यहाँ पे मिश्री क्वांटिटी में से ज़्यादा गिर गया तो फिर मैं निकाली नहीं, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रसाद थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है और मैं इसको ज़्यादा हार्ड नहीं सॉफ्ट ही रखूँगी। तो बस यहाँ पे प्रसाद बन गया तो मैं ला के रख दिया, जो नारियल का प्रसाद लेके आई थी कल मैं, उसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ भोग लगाने के लिए। और मैं वाइट में ढूंढ रही थी, बिना बर्फ का मिला नहीं, मैं 2-3 दुकान में खोजी, 2-3 दुकान में नहीं मिला, तब जाके मुझे ये लेना पड़ा, नहीं तो मैं बिना बर्फ और वाइट वाला लेती, लड्डू भी नहीं मिला और वो भी नहीं मिला। और फिर टाइम था नहीं तो मैं खुद ही नारियल का बना देती, और मुझे पता नहीं था, अचानक से पता चला कि नारियल का लड्डू लगाना चाहिए, मतलब भोग अष्टमी को, माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है।
नहीं आज 10 बजे 10-11 बजे तो मुझे दी समझ गई 10-11 बजे हाँ 10 बजे के बाद चल जाए समझे नहीं अष्टमी का ही बात था संगीत का अष्टमी का ही होता है दिन नहीं समझी थी अष्टमी नौमी आप कौन लगा रही काले रात में करी हवन वन के बाद हुई हवन के बाद हवन से पहले आज करेंगे पूजा तो रात भर लेना है 1-2 घंटा में तो हो जाए 2.5 घंटा का पंडित जी कौन 1-1.5 घंटा बस यहाँ पे पतिदेव जी फ्रेश होके आ गए हैं और बस ऐसे पूजा तो पहले ही कर लेते हैं टावल लपेट के पूजा करते हैं वो कभी कपड़ा पहन के पूजा नहीं करते हैं यहाँ पे बस ये फूल वगैरह चढ़ाना है तो आगे नहीं तो जब महादेव जी को जो जल चढ़ाते हैं वो टावल लपेट के ही आते हैं हमेशा नहा के जब निकलते हैं तो तुरंत ऊपर मंदिर में ही आते हैं टावल लपेट के तो उस टाइम मैं सूट नहीं कर सकती इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ उस टाइम तो बस यहाँ पे माता रानी को फूल चढ़ाना था फूल चढ़ाएंगे प्रसाद जो है वो चढ़ाएंगे और हम लोग का मंदिर का मतलब स्पेस बहुत कम है तो वीडियो लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो मेरी बेटी बोलती है मामा पापा इतने लंबे हैं हाइट में तो पापा का वीडियो में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैं अच्छे से ले नहीं पाती हूँ वीडियो हाइट के कारण पापा का हम लोग का तो चलो चल जाता है सबका बट पापा का नहीं चलता है तो बहुत मुश्किल से वो पापा का वीडियो लेती है तो बस यहाँ पे भोग वगैरह पतिदेव जी लगा ही रहे हैं उसके बाद टीका लगा लेंगे टीका नहीं लगाया अभी और पूजा भी कंप्लीट हो गया है बस अब आरती ही होगा और चाची जी आई है चाची दोनों चाची जी बैठी हुई है पीछे और आज है शाम को आपका भजन कीर्तन तो संधि अष्टमी और नवमी जो लगता है उसमें संधि होता है तो उसमें कीर्तन किया जाता है तो आज शाम को कीर्तन होगा और घूमने का भी प्लानिंग है इतने दिन से हम लोग तो घूमने नहीं निकले थे दुर्गा पूजा तो अब देखिए कैसे क्या मैनेज होता है सब कुछ पूजा वगैरह और यहाँ पर बस अब पूजा का सॉरी आरती का थाली अब रेडी हो रहा है और मैं सोच रही थी फलाहार के लिए साबूदाना का बड़ा मैं बना देती हूँ बट साबूदाना एकदम कम क्वांटिटी में था तो फुलाने के लिए तो फुला दी हूँ भिगा दी हूँ मतलब बट बना नहीं पाऊँगी अब एकदम थोड़ा सा मैं तो क्या ही बनेगा आपका साबूदाना का बड़ा अब आरती हो गया और सभी को यहाँ पे पिंक पिंक पहने हुए चाची जी हम लोग सभी को पिंक पिंक पहने हुए और हम लोग का बंगाल में अष्टमी के दिन सारे बंगाली जितना है सभी को येलो पहनता है यहाँ पे कुर्ता वगैरह तो इन लोगों में पता नहीं येलो शुभ माना जाता होगा
सो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय। ओम जय अंबे गौरी।